हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम टू के साई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम जो यूनिट टू है आपकी सेमेस्टर वन का जो सिलेबस है आपका, ये देखिए सेमेस्टर वन का ये सिलेबस है आपका। इसमें 4 यूनिट है प्रोज के और 2 पोयम है आपकी अप हिल। फर्स्ट पोयम है आपकी जो कि क्रिस्टीना रोजेटी ने लिखी है। ये ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुकी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जो दूसरी यूनिट है यूनिट टू स्टे का, जो कि ग्रीन ब्लेक लेजर ने ये पोयम लिखी है, अब हम इसको पढ़ेंगे। ये आपका सेमेस्टर वन का सिलेबस है, उसमें से हम पोएट्री सेक्शन देख रहे हैं। द सेकेंड पोयम वी आर गोइंग टू रीड इन दिस वीडियो स्टे का। ये जो आपकी बुक है, इस बुक का नाम है सक्सेस एवेन्यू और ये कंपलसरी इंग्लिश की बुक है। ये देखिए ये जो बुक है, ये आपकी फॉर फर्स्ट ईयर बीकॉम कंपलसरी इंग्लिश की बुक है। ये फर्स्ट ईयर बीकॉम कंपलसरी इंग्लिश की बुक है, सक्सेस एवेन्यू इसका नाम है। तो चलिए हम हमारी यूनिट टू में जो पोयम है स्टे काम उसको देखते हैं। इस पोयम में सबसे पहले अबाउट दी ऑथर दिया गया है, मतलब इस पोयम को रीड करने से पहले जो इसके ऑथर हैं, जो ग्रीन ब्लेक लेजर है इनका नाम है, इनके बारे में यहाँ दिया गया है, इसको जान लेते हैं। क्योंकि जब हमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने होते हैं तब हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ग्रीन ब्लेक लेजर 1868-1935, जो ग्रीन ब्लेक लेजर हैं इनका जो बर्थ हुआ था वो 1868 में हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1935 में हुई थी। वॉज द ऑथर ऑफ ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ इंस्पिरेशनल बुक, वो एक लंबी सूची की बहुत सारी जो इंस्पिरेशनल यानी कि प्रेरणादायक जो बुक्स हैं उनके ऑथर हैं, लेखक हैं। एंड गाइड्स टू ऑरेटोरिकल सक्सेस एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और उन्होंने बहुत से मतलब प्रेरक पुस्तकों के साथ साथ वो मार्गदर्शक भी हैं किसके, कैसी बुक्स के जो ऑरेटोरिकल सक्सेस यानी कि ऑरेटोरिकल होता है मतलब बोलने वाली जो वक्ता वाली जो लैंग्वेज है उसके लिए, एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और व्यक्तिगत विकास के लिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व विकास के लिए ऐसी भी बहुत सारी उन्होंने किताबें लिखी हैं। अमंग हिज टाइटल्स वर इंस्पिरेशन एंड आइडियाज, और जो उनके मतलब जो कुछ किताबें हैं उनके जो टाइटल हैं शीर्षक हैं वो कौन कौन से हैं, इंस्पिरेशन एंड आइडियाज, क्राइस्ट द मास्टर स्पीकर, हाउ टू सक्सीड इन लाइफ and taking God into partnership. During the Great Depression of 1930s, Great Depression का मतलब यहाँ पर डिप्रेशन जो तनाव जो बीमारी होती है ना उसकी सेंस में नहीं लिखा लगा है, यहाँ पर वो मंदी की सेंस में लगा है। कहा गया है कि ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 में जो दशक की जो महामंदी आई थी उस महामंदी के दौरान ही सेंट आउट चेक्स फॉर $1 ईच, उसने एक एक डॉलर का चेक भेजा एनक्लोज्ड विद ए नोट, उस पर एक नोट लगा के रीडिंग टू एड बिजनेस, क्या था उसमें एनक्लोज्ड विद ए नोट रीडिंग, मतलब एक नोट रीडिंग यानी कि एक नोट लगा कर, नोट मतलब एक नोटिस जो होता है ना उस टाइप से या उसमें, और उस पर क्या लिखा था टू एड बिजनेस, एड का मतलब होता है सहायता यानी कि बिजनेस में सहायता करने के लिए। उन्होंने वो जो एक डॉलर का चेक भेजा था वो कुछ पार्टी करने के लिए या कुछ खरीदने के लिए नहीं, उन्होंने उस पर क्या नोट लगा कर भेजा था कि टू एड बिजनेस यानी कि मैंने आपके बिजनेस में हेल्प करने के लिए ये भेजा है। अबाउट दी ऑथर आपका हो चुका है, इसको समझना बहुत ज़रूरी था। अब हम देखते हैं अबाउट दी पोएम, यहाँ पे लिखा हुआ है इस पोएम के बारे में, जो कि पोएम है हमारी स्टे काम। स्टे काम का मतलब है शांत रहो, स्टे मतलब रहो, काम मीन्स शांत। इन दिस पोएम, इस पोएम में क्लेजर्स काउंसिल्स रीडर्स टू कीप काम इन द फेस ऑफ द मैनी बिग एंड स्मॉल अपसेट्स ऑफ लाइफ, स्टेटिंग दैट ए ट्रांक्विल टेम्परामेंट इज द मोस्ट पोटेंट वेपन वन कैन हैव अगेंस्ट एडवर्सिटी। पहले हम इसके जो वर्ड मीनिंग है वो देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है काउंसिल्स, सेकंड है रीडर्स, टू कीप काम इन द फेस, काम का मतलब होता है शांत रहना, इन द फेस ऑफ द मैनी बिग एंड स्मॉल अपसेट्स ऑफ लाइफ मतलब लाइफ के उतार चढ़ाव। इस कविता में क्लेजर ने पाठकों को जीवन के कई बड़े और छोटे उतार चढ़ावों के सामने शांत रहने की सलाह दी है। और इसमें क्या कहा गया है कि देखिए आगे देखिए, स्टेटिंग दैट ए ट्रैंक्विल टेम्परामेंट इज द मोस्ट पोटेंट वेपन वन कैन हैव। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, टेम्परामेंट का मतलब होता है स्वभाव, शांत स्वभाव। मोस्ट पोटेंट वेपन का मतलब होता है सबसे शक्तिशाली हथियार, अगेंस्ट एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है प्रतिकूल परिस्थितियाँ। क्लेजर कहते हैं कि मनुष्य का जो शांत स्वभाव है वो सबसे शक्तिशाली हथियार है जो प्रतिकूल परिस्थितियों के खिलाफ हो सकता है, यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उनको शांत रहना, शांत अगर वो रहेंगे तो वो किसी भी चीज़ से जीत सकते हैं। ग्रीन ब्लेक क्लेजर की जो ये कविता है स्टे काम, ये बहुत ही प्रेरक कहानी है जो प्रतिकूलताओं, घृणा और झुंझलाहट के सामने शांत रहने के बारे में है। ये
ग्लेज़र कहते हैं कि जो शांति है वो एक ऐसा मूल्य है जिसे हमें जीवन भर संजो के रखना चाहिए, और जो व्यक्ति शांत रहने की कला में निपुण होता है वो पहले से ही स्वार्थ और दूसरों के संघर्ष के विरुद्ध जो है जंग जो है युद्ध जो है वो जीत चुका होता है। और ये बहुत ही स्वीट पोएम है। ग्लेज़र ने इसमें कहा है कि जो हमारे मन की जो भावनाएँ हैं, जो हमारी भावनाएँ हैं वो मन के पाँवों में बंधी हुई जंजीरों की तरह होती हैं। अगर हम स्वयं को शांतिपूर्ण मानसिक स्थिति प्राप्त करने से वो हमें रोकती हैं, लेकिन हमें खुद को शांत बनाए रखना है। अब हम हमारी पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं। इस पोएम में टोटल 24 लाइंस हैं, हर तीन पैराग्राफ में जो डिवाइडेड है, हर एक पैराग्राफ में 8 लाइंस हैं। व्हेन यू फील लाइक सेइंग समथिंग देन दैट यू नो यू विल रिग्रेट। जब आपका मन पहले स्टैंजा की फर्स्ट 2 लाइंस हैं, पोएट कहते हैं कि जब आपको कुछ कहने का मन करे और आपको पता है कि ऐसा कहकर आप पछताएंगे। फील लाइक सेइंग समथिंग मतलब कुछ कहने का मन करे, दैट यू नो यू विल रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा होना। और वो कहते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कहकर आपको बाद में पछतावा होगा। मींस ग्लेज़र पाठकों से एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचने का आग्रह करते हैं जहां उन्हें दूसरों से कुछ कड़वे शब्द कहने का मन करता है और उस समय हमें नहीं लगता कि वो जो फीलिंग है वो वापस आहत होने वाली है, यानी कि ऐसा बोल के कड़वे शब्द बोल के बाद में उन्हें रिग्रेट होगा, वो रिग्रेट फील करेंगे, हमें पछतावा होगा। और कीनली फील एन इंसल्ट और कीनली फील एन इंसल्ट नॉट क्वाइट ईजी टू फॉरगेट। और कभी कहते हैं कि कभी कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति को अपमान की जो है वो बहुत तीव्र अनुभूति होती है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपमान कभी कभी ऐसी छाप मन पर छोड़ जाता है, नॉट क्वाइट ईजी टू फॉरगेट, कि जिसे भूला नहीं जा सकता, उसे मिटाना आसान नहीं होता, ऐसी छाप वो बुरा व्यवहार जो है वो मन पर छोड़ जाता है। दैट इज़ द टाइम टू कर्ब रिसेंटमेंट एंड मेंटेन ए मेंटल पीस। और यही वो समय है, कर्ब का मतलब होता है किसी बुरी फीलिंग के ऊपर रोक लगाना, और रिसेंटमेंट का मतलब होता है नाराजगी, एंड मेंटेन का मतलब होता है उसको मेंटेन करना स्थिति को, ए मेंटल पीस मतलब मानसिक शांति। तो पोएट जो है वो कहते हैं कि ये हमारी जो नाराज़गी रिसेंटमेंट है या जो कड़वी भावनाएं हमारे मन में आई हैं कि उसने मुझे ऐसे बोला तो मुझे भी ऐसे बोलना है, ऐसे बोल देना चाहिए था, वो कहते हैं कि हमारी नाराज़गी रिसेंटमेंट या कड़वी भावनाओं को रोकने का जांचने का यही एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये भावना हमें क्रोध की आग, मतलब ऐसी जो फीलिंग आएगी हमारे अंदर वो हमें क्रोध की आग जलाने के लिए प्रेरित करेगी। लेकिन इसी टाइम, मतलब किसी ने हमें कुछ बोल दिया, सपोज़ किसी ने हमें अपशब्द बोल दिए, गाली दे दी, उल्टा सीधा बोल दिया, हम पे कोई झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, हमें कुछ भी ऐसी, तब हमारे साथ ऐसा होगा तो क्या होगा, हमारे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, कड़वी फीलिंग आएगी। वो कहते हैं कि हमें क्रोध की आग जलाने के लिए प्रेरित करेंगी ऐसी भावनाएं, लेकिन इस टाइम आपको अपने गुस्से पर क्या करना है, कर्ब करना है, मतलब रोक लगानी है, उसे रोकना है रिसेंटमेंट नाराज़गी पर, यानी कि आपको अपने गुस्से पर अपनी नाराज़गी पर उस समय अंकुश लगाना चाहिए, उसे रोकना चाहिए, और अपनी जो मानसिक शांति एंड मेंटेन ए मेंटल पीस, और अपनी मानसिक शांति को नहीं खोना चाहिए, उसे बना के रखना चाहिए। फॉर व्हेन योर माइंड इज ट्रैंक्विल ऑल योर इल थॉट सिंपली इज, क्योंकि जब आपका मन जो है वो शांत होता है तो हम रिएक्ट नहीं करते हैं, यानी कि मतलब उनका कहने का मतलब है कि एक बुद्धिमान जो व्यक्ति है वो ये जानता है कि जब मन शांत होता है तो कटु विचार आसानी से, इल थॉट्स मतलब कटु विचार, बुरी फीलिंग्स जो है सिंपली सीज़ का मतलब होता है रुकना, बंद होना, कि जब हमारा मन शांत होता है थोड़ी देर के बाद तो क्या होता है, वो जो बुरी भावनाएँ हैं, जो कटुता है, जो कटु विचार हैं वो आसानी से मिट जाते हैं। दूसरों के प्रति जो कटुता हम दिखाते हैं वही लास्ट में क्या होती है, हमें भी बाद में उसकी वजह से हानि होती है। तो पोएट का कहने का मतलब क्या है कि अगर हम शांत रहेंगे, एक बुद्धिमान व्यक्ति अगर शांत रहेगा, अपने मन को शांत रखेगा, तो क्या होगा, उन गुस्से की जो गर्म भावनाएं हैं उससे उसे नियंत्रण नहीं खोना पड़ेगा, वो उसके नियंत्रण में रहेगी और वो हमेशा उसके मानसिक संतुलन को जो है प्रभावित करेंगी। आगे देखते हैं, ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत माइंड। इट इज ईजी, अब हमारा दूसरा स्टैंजा शुरू हो गया, इसमें भी 8 लाइन्स हैं। इट इज ईजी टू बी एंग्री वेन डिफ्रॉडेड और डिफाइड। वो कह रहे हैं कि बहुत आसान है, डिफ्रॉडेड का मतलब होता है धोखा देना, और डिफाइड का मतलब होता है कहा ना मानना, किसी की बात ना मानना, अवज्ञा करना का उसको बोलते हैं डिफाइड, और डिफ्रॉडेड का मतलब होता है धोखा देना, ठग लेना किसी को। तो कवि जो हैं वो कह रहे हैं सेकंड स्टैंजा में कि इट इज़ ईजी टू बी एंग्री वेन डिफ्रॉडेड और डिफाइड, कि
गुस्सा होना बहुत आसान है, सरल है, जब किसी व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धोखा दिया जाता है जिस पर वह बहुत अधिक भरोसा करता है। यानी कि उनका कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं और जब वो व्यक्ति हमें धोखा देता है तो बहुत ही स्वाभाविक है गुस्सा आना। टू बी पीव्ड एंड डिसअपॉइंटेड इफ़ योर विशेज आर डिनाइड। पीव्ड का मतलब होता है क्रोधित होना, डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है नाराज होना। कह रहे हैं कि इफ़ योर विशेज आर डिनाइड, डिनाइड का मतलब होता है मना करना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं और हमारे फैसलों के बारे में मतलब चिंता करते हैं, जैसे आपने किसी को कोई सलाह दी या कुछ दिया उस इन दैट सेंस, कभी कभी क्या होता है वे हमारी इच्छाओं को भी नकारते हैं, डिनाई करते हैं। मतलब हमारी, जैसे सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, सपोज आपको कुछ चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, कोई गिफ्ट चाहिए, इवन हमारे पेरेंट्स भी कई बार हमें मना कर देते हैं तो हमें बहुत बुरा लग जाता है, हमें बहुत गुस्सा आ जाता है, हम उनसे नाराज़ हो जाते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि कभी कभी वे हमारी इच्छाओं को भी नकारते हैं, डिनाई करते हैं, तब स्वाभाविक रूप से हम इनकार से नाराज और निराश महसूस करते हैं। और खिन्न या निराश होना जो है वो स्वाभाविक है यदि आपकी इच्छाओं को अस्वीकार कर दिया जाता है। बट टू विन ए वर्थ वाइल बैटल ओवर सेल्फिशनेस एंड स्पाइट। बैटल का मतलब होता है युद्ध और सेल्फिशनेस का मतलब होता है स्वार्थपना जो होता है ना वो। और स्पाइट का क्या मतलब होता है, स्पाइट का मतलब होता है किसी को हानि या कष्ट पहुंचाने की दुर्भावना, मतलब बुरी भावना किसी को हानि या कष्ट पहुंचाने की, वो होता है स्पाइट। तो पोएट क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, बट टू विन ओवर ए वर्थ वाइल बैटल, यहाँ पर जो है वो एक सार्थक लड़ाई जीतने के लिए स्वार्थ और दोष से ऊपर, मतलब कवि का कहने का क्या मतलब है, कवि इन पंक्तियों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर संकेत करते हैं। वो कहते हैं कि दूसरों के प्रति जो कटु भावनाएं हैं उनके विरुद्ध मानसिक संघर्ष की तुलना, मतलब इंसान जो है वो मानसिक युद्ध करता है, मानसिक संघर्ष की जो तुलना है वो उन्होंने किससे की है, मेंटल की, युद्ध से की है, बैटल से की है। बैटल का मतलब होता है युद्ध, मतलब वो कह रहे हैं कि जो सार्थक लड़ाई जीतने के लिए स्वार्थ और दोषों से ऊपर, कवि इन पंक्तियों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर संकेत करते हैं, वो दूसरों के प्रति कटु भावनाओं के विरुद्ध मानसिक संघर्ष की तुलना युद्ध से करते हैं। और उनका कहने का क्या मतलब है, ओवर सेल्फिशनेस एंड डिस्पाइज्ड यू मस्ट लर्न टू कीप ए स्ट्रिक्ट साइलेंस दो यू नो यू आर द राइट। वो कहते हैं कि उनके अनुसार यदि हम दूसरों के स्वार्थ और घृणा पर युद्ध जीतना चाहते हैं तो हमें मौन रहने की कला में निपुण होना होगा। क्या होना होगा, हमें निपुण होना होगा, और इस कला को जो है एक अभ्यास या मानसिक व्यायाम यानी कि मेंटल एक्सरसाइज के रूप में जोर देने के लिए पोएट ने क्या वर्ड यूज़ किया है, स्ट्रिक्ट साइलेंस, मतलब हमें एकदम मौन रहना होगा, चुप रहना होगा, इस वाक्यांश का उन्होंने यूज़ किया है। दो यू नो यू आर राइट इन द राइट, वो कह रहे हैं कि आप जानते हो कि आप सही हो लेकिन सामने वाला फिर भी आपको गलत कह रहा है, तो ऐसे में उसके साथ आर्ग्यूमेंट ना करें, उसके साथ बहस ना करें, आप बिल्कुल शांत रहें, तो आप क्या करेंगे, आप उस युद्ध को पहले ही जीत लेंगे। सो कीप योर मेंटल बैलेंस, अपने यहाँ मेंटल बैलेंस की तुलना किससे की गई है, यहाँ पर जो है मेंटल बैलेंस की तुलना जो है इस छंद में किससे की है, उसने मानसिक संतुलन रखने की जो सलाह दी है वो कह रहे हैं कि इसमें मतलब आपको ना मेंटल बैलेंस मतलब तराजू से तुलना की गई है, मतलब वो कह रहे हैं कि आपको अपना मानसिक संतुलन बिल्कुल भी नहीं खोना है। कब नहीं खोना है, When confronted by ये foe का मतलब होता है आपका जो enemy होता है वो, और confronted का मतलब होता है किसी मतलब मुसीबत या अप्रिय जो स्वार्थ का सामना मतलब व्यक्ति होते हैं ना वैसे लोगों के साथ, मतलब जिसको आप पसंद नहीं करते वैसे व्यक्ति के साथ जब आपका सामना होता है वो, when confronted by ये foe, तो उनका कहने का मतलब है यहाँ पर उन्होंने जो मनुष्य का मन है उसकी तुलना तराजू से की है, कि वो कह रहे हैं कि जब एक तरफ अनुशासन और दूसरी तरफ संयम रखा जाता है तो यह शांत रहता है, संतुलित रहता है, बैलेंस अवस्था में रहता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि भले ही आपका किसी दुश्मन से सामना हो जाए आपको अपने मानसिक शांति को नहीं खोना है। बीट एनी मीन एम्बुश और सम डेंजर दैट यू नो। एम्बुश का मतलब होता है मतलब जैसे घात लगाकर कोई बैठता है ना, मतलब किसी के पीछे घात लगाकर या छिपकर वार करना किसी के लिए वो होता है। तो वो कह रहे हैं कि जो आपका जो शत्रु है वो कैसा हो सकता है आपका, वो कह रहे हैं कि कभी कभी जो शत्रु है हमें सामना करना पड़ता है वो एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो अचानक हमला करने के लिए भेष बदल कर बैठा हो, घात लगाकर छिपकर बैठा हो, या फिर दूसरी और सम डेंजर दैट यू नो, या फिर कोई ऐसा खतरा भी हो सकता है, ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसे आप जानते हो। मतलब उनका कहने का मतलब है कि अगर आप शांत नहीं रहेंगे तो आप ऐसे व्यक्ति से भी भिड़ सकते हैं जो आपको पहले से जानता है, या फिर वो व्यक्ति आपका अनजान अपरिचित भी हो सकता है और आपको पता नहीं है वो कितना शक्तिशाली है या कितना कमज़ोर है। तो वो कह रहे हैं आप अपनी मानसिक शांति बिल्कुल ना खोएं, आप अपने आप को शांत रखें।
इफ़ यू आर पॉइज्ड एंड ट्रांक्विल, अगर आप शांत हैं, पॉइज्ड मतलब बैलेंस्ड है और ट्रांक्विल मतलब शांत हैं, अगर आप शांत हैं और चारों ओर भले ही आपके चारों ओर जो है वो कलह झगड़ा झंझट कलेश हो रहा हो, व्हेन ऑल अराउंड इज स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब होता है कलह झगड़ा झंझट, कह रहे हैं अगर आपके आप शांत हैं, बिल्कुल शांत हैं और आपके चारों तरफ अगर झगड़ा और झंझट भी हो रहा है, तो कवि का कहने का मतलब है कि ऐसी शांत स्थिति जो है वो दुश्मन से निपटने के लिए सबसे अच्छी रणनीति है। मतलब आप शांति रहोगे, कुछ बोलोगे ही नहीं, तो सामने वाला बंदा आपका क्या बिगाड़ लेगा, वो क्या ही बोल देगा आपको जब आप कुछ बोलोगे गई नहीं। बी अश्योर्ड दैट यू हैव मास्टर्ड द मोस्ट वाइटल थिंग इन लाइफ, और वो कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा कर लेते हो तो निश्चिंत रहें कि आपने महारत हासिल कर ली है, मतलब जो जीवन की सबसे ज़रूरी चीज़ है आपने वो हासिल कर ली है। उनका कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें हैं इस समाज में, क्या क्या हैं, जैसे कि विपत्तियों के सामने शांत रहने की जो कला है वो अपने आप में गुस्से को, घृणा को, नफरत को आपने समझ लीजिए कंट्रोल करना सीख लिया है अगर आप एकदम शांत हैं तो। लाइफ में आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिलते हैं जब लोग आपको गुस्सा दिलाते हैं, आपको उकसाते हैं, आपको एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और आपको उस समय क्या करना है, कभी कह रहे हैं कि आपको एकदम शांत रहना है, आपको विरोध नहीं करना है, चाहे कोई आपका दुश्मन आपसे झगड़ा कर रहा हो, चाहे कोई आपका परिचित व्यक्ति आपके साथ झगड़ा हो, आपको हर स्थिति में अपने मन को शांत रखना है। पहले वाले स्टेंजा में उन्होंने क्या कहा है कि अगर कोई आपका अपमान भी कर दे और ऐसा अपमान कर दे जिसको आप कभी भूल नहीं सकेंगे, लेकिन उस स्थिति में भी आपको अपना मेंटल बैलेंस जो है नहीं खोना है, आपको शांत रहना है, क्योंकि अगर आप वो पुरानी कहावत है ना कि ईंट के बदले पत्थर, तो वो कह रहे हैं कि अगर आप भी मतलब किसी ने आपको कटु शब्द बोले, आपका दिल दुखाया और आपने भी बदले में कटु शब्द बोले और सामने वाले का दिल दुखाया, तो वो बदले में फिर आप भी अपनी मेंटल पीस खो देंगे। तो वो कह रहे हैं कि अगर एक बंदा शांत रहेगा तो देर सवेर सामने वाले को भी अपनी गलती का एहसास होगा। तो तीनों पैराग्राफ में बेसिकली पोएम ने क्या कहा है, पोएट ने आपको एक ही चीज़ सिखाई है कि कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में आपको शांत रहना है, स्टे काम। मतलब इस कहानी इस पोएम का जो मेन मोटिव है पोएट का वो यही है कि वो आपको गुस्सा ना करने के लिए और शांत रहने के लिए ही पूरी पोएम में उन्होंने आपको बोला है। ये सारे वर्ड मीनिंग भी मैंने आपको बता दिए हैं। रिसेंटमेंट होता है नाराज़गी, परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस ओवर एन इंसल्ट और सम रॉन्ग एक्शन, मतलब किसी के बुरे व्यवहार से आप जब हमेशा अनहैप्पी रहते हो, परेशान रहते हो, नाराज रहते हो, वो। ट्रांक्विल का मतलब है टू बी काम एंड पीसफुल, मतलब शांत रहना। सीज का मतलब है टू स्टॉप, मतलब रोकना। डिफ्रॉडेड मैंने आपको बताया था ना, ठगा जाना, धोखा। डिफाइड का मतलब है इंसल्ट, अपमान और अवज्ञा। पीव्ड का मतलब है इरिटेटेड, अनॉयड, जब आप किसी से नाराज हो जाते हो, क्रोधित हो जाते हो। स्पाइट का मतलब मैंने आपको बताया था ना, हेट्रेड, मैलिस, इल पिल, किसी के प्रति दुर्भावना, कटु फीलिंग, कटु विचार। कन्फ्रंटेड का मतलब है फेस्ड, अपोजिट, यानी कि किसी के साथ सामना होना। आगे देखते हैं, एम्बुश का मतलब होता है हाइडिंग प्लेस, जब कोई घात लगाकर बैठता है, छिपकर आप पर हमला करने वाला होता है। पॉइज्ड का मतलब होता है बैलेंस्ड, जो आपको ऊपर लास्ट वाले पैराग्राफ में बताया ना, मेंटल बैलेंस, तो हियर इट इज़ यूज्ड वर्ड पॉइज्ड, मतलब बैलेंस्ड पर दिया हुआ है। तो आपकी यही थी आपकी पोएम स्टे काम। पोएम अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे और यूज़फुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल M2K साई को सब्सक्राइब करें। इस पोएम को मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया है, फिर भी उसके बावजूद अगर कोई स्टेंजा आपको क्लियर ना हो या किसी वर्ड का मीनिंग आपको क्लियर ना हो, इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व एज सून एज इट इज़ पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।